रूस यूक्रेन युद्ध की आग भले ही 2022 से धधकना शुरू हुई हो, मगर इसकी पटकथा उससे पहले ही लिखी जा चुकी थी। एक तरफ यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की चाह थी, तो वहीं रूस इस कदम को कतई सहन नहीं करने की हालत में था, जबकि पश्चिमी देश यूक्रेन का खुलकर समर्थन कर रहे थे। इसी के चलते रूस ने 25 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई थोप दी। उस दिन से लेकर आज तक ये युद्ध चल रहा है। इसका असर पूरी दुनिया झेल रही है। न रूस रुक रहा है और न ही यूक्रेन हार मान रहा है। सिर्फ और सिर्फ गोलियों की तड़तड़ाहट और मिसाइलों की गूंज ही सुनाई दे रही है। रूस एक बार फिर यूक्रेन पर हावी होने लगा है। बीते 1 जुलाई को एक रूसी ड्रोन ने मध्य यूक्रेनी सीमा से करीब 150 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में घुसकर यूक्रेनी वायुसेना के सुखोई SU-27 लड़ाकू विमानों की लोकेशन ट्रैक की थी। फिर सुनहरा मौका देख एक रूसी स्कंद बैलिस्टिक मिसाइल एयरबेस पर खड़े 6 लड़ाकू विमानों पर कहर बनकर टूटी। इस हमले से यूक्रेन को बहुत बड़ा धक्का लगा। यूक्रेन की हवाई ताकत को बहुत बड़ा झटका लगा है। रूस के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला यह हथियार पल भर में ही राख हो गया। ऐसा दावा है कि इस हमले में 2 फाइटर जेट जलकर तबाह हो गए, तो वहीं बाकी 4 विमान क्षतिग्रस्त हो गए। रूस का हालिया हमला यूक्रेन की वायुसेना के लिए सबसे महंगे दिनों में से एक साबित हुआ। रूस ने इस हमले पर कहा कि रूसी सेना ने यूक्रेन के सशस्त्र बलों के 6 लड़ाकू विमानों को निष्क्रिय कर दिया। इस हमले में यूक्रेनी ढांचों और इंजीनियरिंग कर्मियों में भी खासा नुकसान हुआ है। वहीं यूक्रेनी वायुसेना ने भी रूसी हमले की पुष्टि कर बताया कि हमले से 2 विमान बुरी तरह नष्ट हो गए, जबकि 4 अन्य को नुकसान पहुंचा है। बता दें कि यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाने वाला रूस यहीं शांत नहीं बैठा। रूसी सेना ने ठीक अगले ही दिन यानी बीते 2 जुलाई को एक ड्रोन से यूक्रेनी एयरपोर्ट पर पहले निगरानी की, फिर स्कंद मिसाइल से जोरदार हमला किया। इससे यूक्रेनी सेना के MI-24 गनशिप हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा। ऐसे में लगातार 2 दिन रूस के 2 बड़े घातक हमलों ने यूक्रेन की बेचैनी को बढ़ा दिया है। रूसी हमलों का जमकर पलटवार कर रहे हैं। यूक्रेनी सेना का मनोबल काफी टूटा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी ठिकानों पर रूसी छापे तेज हो गए हैं। इससे यूक्रेनी वायुसेना को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा है। खबरों की माने तो इन हमलों के बीच अब 2 SU-27, 2 MiG-29, 1 SU-25 और 1 MI-24 हेलीकॉप्टर नष्ट हुआ है। ऐसे में यूक्रेनी सांसदों को आने वाले F-16 लड़ाकू विमानों की सुरक्षा पर चिंता सताने लगी है। सांसद मेरियाना बेजुला ने खास तौर से यूक्रेन आर्म्ड फोर्स के कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिर्स्की को निशाना बनाते हुए कहा कि आपने हमारे विमान की सुरक्षा वायु रक्षा के मामले में स्थिति को ठीक नहीं किया है। F-16 लाने की स्थिति में जरूरी बदलाव नहीं आएगा। इसके बजाय वे रूसी हमलों के लिए एक और लक्ष्य बन सकते हैं। यूक्रेन जो पहले से ही कमजोर स्थिति में है, इस महत्वपूर्ण मोड़ पर इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब युद्ध शुरू हुआ तो यूक्रेनी वायुसेना के पास SU-27S, SU-25S और MiG-29S समेत 125 जेट थे। इसमें से करीब 90 जेट का नुकसान हुआ है। ऐसे में ये देखना काफी अहम रहेगा कि घात लगाकर किए जा रहे इन हमलों की चपेट में क्या अमेरिका के सबसे ताकतवर F-16 लड़ाकू विमान भी आते हैं या नहीं।